व्लॉग बना रही हूँ मम्मी मम्मी स्माइल। आपको मूड खराब कर दिया क्या? आराम से मम्मी, क्या हुआ? आराम से आना, ब्रेड खिला दूँ। आप मम्मी गुस्सा क्यों हो गए? मम्मी चॉकलेट खाएंगे। यही सब बोलती मम्मी, आराम से। मम्मी बोल रही है चाय पीना। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के व्लॉग में। आज है 2 तारीख और आज है धनतेरस। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस दिन ये मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो उस दिन छोटी दिवाली रहेगी, तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह से पापा सनी गए थे बाहर कुछ कुछ खरीदारी करने के लिए जो कि हमें बैंगलोर में काम आएगा। तो सनी भी वापस लौट चुका है और कल जो जो कपड़े ले जाने हैं हमें, तो दीदी सब पैक करके रख ली है। मैं वो भी दिखाता हूँ आप सभी को। और सनी गेंदा का फूल लाया है और वो लगा रहा है, तो वो भी देखिए। तो मम्मी डांटी की, पता था पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा यहाँ पे, तो अब इसमें पानी कौन डाल रहा है? अरे मतलब अब डिफरेंट मिला था आज, खिलाया भी है। क्या बोला वो? बोला कि मैं तुम्हें मिस करूंगा, लेकिन मैंने इसको बोल दिया कोई बात नहीं 9 दिन में आ जाऊंगा। तो सनी ने इसका पन्नी निकाल दिया है और सनी ने ये वाला गमला जो है मंगवाया था माली भैया को बोल के बहुत दूर से। कबूतर टकराया भी जोर से यहाँ पे, इसके साथ कुछ छोटा नहीं हो गया सनी? तो बड़ा हो जाएगा ना, तुम इतना नाकी क्यों मार रहे हो यार? काम करने में ना मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है? पापा बोलते हैं कि सेंटर में लगाए करो, मेरे से सेंटर में लगता नहीं, इस वजह से मर जाता है पौधा। अरे ये एरिया बहुत अच्छा है इस समय पे, क्योंकि धूप जब सूरज इधर आता है तो इतना मस्त लाइटिंग आता है। इधर बैठो, पीछे मंदिर है, क्या बात है। तुम अच्छा, तो पापा ये सब सामान लाए हैं आज, अभी मैंने देखा नहीं है। मम्मी आएगी तो खोलूंगी, देखेगी क्या क्या सामान है और फिर जगह लगाएगी इसका। ये क्या है? ये क्या है? दिया। तो हम तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, यहाँ पे दिया लेकिन जला के जाएंगे, जब तक जले कोई बात नहीं। और आज काफी सारे कपड़े धुले हैं भाई, बहुत ज्यादा कपड़े धुले हैं। तो यहाँ पे दीदी ने सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं, और बल्कि दीदी ने तो इस बैग सब में भी डाल दिया है। बस कुछ कुछ कपड़ा सब और डालना है मेरे को, तो वो सब डाल देंगे बाद में रात में आराम से। इसमें हाँ, इसमें हमारे सारे मेरे पैंट और मेरे कुर्ते सारे कलेक्शन एकदम बढ़िया। तो मैंने सुबह से कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि कल रात में ना थोड़ा मेरा हेडेक हो गया था, तो मैं जल्दी सो गया था। मतलब पापा का भी कोई वीडियो एडिट करा था, वो एडिट करके अपलोड करके मैं सो गया था जल्दी, इसलिए मैंने ब्लॉग भी एडिट नहीं कर पाया अपना जो सुबह 8 बजे जाता, इसलिए मैंने सुबह उठ के आज ब्लॉग एडिट किया है और 3:30 बजे अपलोड किया है। तो अभी भी पैकिंग की तैयारियां चल रही कि क्या क्या चीज कुछ मिस ना हो जाए, तो सब कुछ का ध्यान रखा जा रहा है। सब हो गया, बहुत अच्छी बात है। और ये सुतना यहाँ पे सो चुका है। सनी उठ जा यार, सनी उठ जा यार। तो अभी शाम के बज रहे 6:30 और ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है क्योंकि पूरा अंधेरा हो चुका है बाहर, ठीक है? और तो चलते हैं, और जैसे कि आज धनतेरस है तो बस पहले पूजा करते हैं, उसके बाद बाकी काम। ओके लेट्स गो। अब बारी है दिए जलाने की। पापा दिए खरीद के लाए हैं तो वो जलाते हैं और बाकी हर बालकनी में डालते हैं। आइए मेरे साथ। तो इसी बीच हमें एक कुरियर मिला है जिसमें एक अंकल ने हमारे लिए बहुत ही बढ़िया सा बुक भेजा है जिसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, एकदम चुन चुन के जो लेखक हैं महान लेखक उनकी शॉर्ट स्टोरीज जो बेस्ट बेस्ट हैं। और उसके बाद थोड़ा सा खोआ भी है जो कि बहुत स्वादिष्ट है, और हमारे लिए टेबल टेनिस भेजा उन्होंने ताकि हम अपने इस डाइनिंग टेबल पे वो खेल सके। अभी फिलहाल इस पे कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में कपड़ा सूखना बहुत मुश्किल है। बात वो नहीं है, पैकिंग करना है, सुखाना है, जगह तो मैं इस सबको प्रेस करके, गीले कपड़े को ही प्रेस करके सुखा रही हूँ क्योंकि जल्दी सूख जाए। टाइम कम है। शाबाश।
है ना, दिमाग है मेरे में, देख सूख भी गया तेरा ही पैंट। आंटी प्रसादी भिजवाई है और हमारे पापा सब गए थे। सुंदर चूड़ी है। आज ही हमारी दोस्त एक वैष्णव देवी से आई है जो हमारे लिए ढेर सारा प्रसादी और इतना सुंदर चूड़ी भेजने के लिए। थैंक यू उषा बहन। ठीक बहन पर घबरा गए। नहीं, उषा बहन आपकी समझ जाएंगी। बैंगलोर जाने के लिए ऐसा है, मम्मी थक चुकी है, 10 रोटी बनेगा, बना कर रख दे बेटे प्लीज। कैसा लगा अभी? अच्छा था, टेस्टी एकदम। बहुत अच्छा है। ओवर एक्टिंग नहीं हुई। जो स्क्रिप्ट में लिखा है भाई बोलो। तो पता है तू तो कितना ऑकवर्ड फील करवा देता है मम्मी को हर बारी। मैं किसी को भी ऑकवर्ड फील करा सकता हूँ। पाँच है तो पाँच नहीं, डबल डबल लेयर में। छोड़ो ना यार मम्मी, 10 है। अरे सुन, छोड़ो ना हर एक बात में छोड़ो ना, डबल लेयर दे। हनी तो काफी स्लो है, जल्दी देखकर नेत्र में 10 को दिया जला लेती। मैं तू ही करती ना, फिर तू ही करती ना। मेरे को बोला मैं करूँ, ले पकड़। देख पड़ोसी से पहले हमने पूजा कर ली, उनका अब पूजा हो रहा है। नहीं बेटा देखो, तेल ऐसे करके। अच्छा हाँ, तभी तो तुम पर जैसे हनी क्या है ना, हनी बिल्कुल ठीक चाहिए, ठीक है। हाँ? अभी चुटकी में गीला करके ऐसे कर देना। बस बस और मम्मी गोलगप्पे खाओगी? आलू टिक्की एक बैन में बड़ा सुंदर बना था मम्मी, लेकिन मैंने बस देखा है लोग खाते हैं। अरे जहाँ से मैं बुलाता हूँ ना, दूध सब्जी इतना दूर नहीं है। अच्छा फिर मेरे को इतना दूर हो गया बेटा, दिन में जाता है। फिर दिन में बोलते कि दिन में घर का खाना खाओगे बाहर का खाओगे? दिन में ऐसे भी लगाता नहीं हो, शाम में लगाता हूँ। गो उतना टाइम क्यों वेस्ट करेगी? अब तू स्लो है, अब ऐसे करके ऐसे कर दो सिंपल। वाओ आपको पता है अयोध्या में कितने अच्छे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमको अयोध्या जाना चाहिए, तो दीपोत्सव मनाते हैं। ये महाशय तक सोए पड़े हैं भाई, रे फिर उठ जा। खाना नहीं खाए रहे हैं। आए दो बेटा मैं ना सो गया था, ठीक है। जब फिर खाना खाने टाइम मम्मी ने सनी को बोल के मेरे को मार मार के उठवाया, ठीक है। और अभी रात के करीब 12 बज रहे हैं, तो अभी हो गया है आज के ब्लॉग को एंड करने का। हनी कितना बज रहा है? देख गया क्या क्लॉक? देख क्या क्या रात के करीब 12 बज रहे हैं बस। हाँ ठीक है, और चलो आज के ब्लॉग का एंड कर देते हैं। और ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को? तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि कल हमारा जो फ्लाइट है बैंगलोर जाने का, तो बैंगलोर में जाके बहुत मस्ती होने वाली है और व्लॉग्स काफ़ी अच्छे अच्छे आने वाले हैं। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लीजिए ताकि एकदम अच्छा अच्छा व्लॉग बने। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, आज की क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं आप सभी से, आज आप सभी की छुट्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। मम्मी बाय 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 बाय, कैमरा को झांप तो दो।